देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज खास खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश संयुक्त संविदा संघर्ष मंच शासन की बात मानते हुए अपने अनिश्चितकालीन धरने को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे मध्य प्रदेश संयुक्त संघर्ष मंच के अधिकारी कर्मचारियों ने आज अपने धरने को स्थगित कर दिया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यह धरना केवल स्थगित किया गया है, न कि खत्म। अगर प्रदेश सरकार इनकी मांगों को जल्द नहीं मानेगी तो यह दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हमने जो हड़ताल का आह्वान किया था उसको आज हमने मध्य प्रदेश संयुक्त मंच के संबंध में स्थगित की है, ना कि आज हमने हड़ताल खत्म की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको एक सप्ताह का अप्रैल में प्रथम सप्ताह का आश्वासन दिया कि संविदा नया पंचायत बुलाएंगे। मध्य प्रदेश के 2,50,000 संविदा कर्मी अभी अगर वो पंचायत नहीं बुलाते हैं तो हमारी हड़ताल अगले दिन से चालू है। नानाखेड़ी में लगने वाले पशु हाट को स्थान परिवर्तन करने को लेकर कैंट थाना प्रभारी की गई कार्रवाई के खिलाफ आज सभी व्यापारी पहुंचे पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल से मिलने। बता दें कि नानाखेड़ी मंडी के पास रोड पर पिछले कई वर्षों से पशु हाट लगती आ रही है। आपको बता दें कि नानाखेड़ी मंडी के पास रोड पर पिछले कई वर्षों से पशु हाट लगती आ रही है। इसको लेकर कैंट थाना प्रभारी आशीष सप्रे मैं पुलिस फोर्स के वहां सभी किसानों को हटने की बात कही, साथ ही उन्हें कैंट स्थित मुक्ति धाम की जमीन पर हाट लगाने की बात भी कही। इसी बात के विरोध स्वरूप सभी किसान आज पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल के पास पहुंचे और उनसे गुहार लगाई। सभी किसान भाइयों ने पुलिस अधीक्षक से लिखित में इस फैसले की प्रति मांगी है। कि 18 तारीख रविवार को पूर्व में और 25 तारीख को कैंट थाना प्रभारी के द्वारा मैं फोर्स के बिना कोई नोटिस और सूचना दिए, ना कोई नोटिस चस्पा किए, जो नानाखेड़ी नेगमा के लिए रोड गई है उस रोड पर रविवार को 5 घंटे के लिए पशु हाट लगती है, जिसमें किसान, दूध व्यापारी और पशु व्यापारी तीन तरह के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में। तो इन्होंने जो वहाँ आके टेलर दिया अपना कि यहाँ हाट नहीं लगाओगे और आप कैंट मुक्ति धाम के अंदर जो एक जगह है उसी का पार्ट है कैंट मुक्ति धाम का, जो दाह संस्कार के लिए ही और एक गौशाला के लिए ही वो जगह उपयोग के लिए शासन की ओर से अलॉट है। करीब 14-15 बीघा जगह है वो, और एक तरफ मुस्लिम कब्रिस्तान है तो उस जो हिंदू मुक्ति धाम है उस जगह पे इन्होंने लगाने के लिए कहा। तो हम माननीय एसपी साहब के पास इसलिए आए थे कि क्या सर आपको इस संबंध में कोई जानकारी है, तो एसपी साहब ने कहा मेरी और कलेक्टर साहब की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा समिति, जिसमें कई जनप्रतिनिधि भी होंगे, उनने उनकी योग्यता के हिसाब से क्या फैसला लिया। ये एसपी साहब ने बताया कि उन सबकी सहमति से सड़क सुरक्षा को देखते हुए, चूंकि इधर नेगमा रोड पे बहुत ज्यादा मॉल और बहुत ज्यादा स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, काफी सारी भीड़भाड़ रहती है, लगभग आवाजाही बहुत है इस साइड ग्वालियर मुंबई की तर्ज पे बहुत ज्यादा, इसलिए इस पशु हाट को, जो 5 घंटे की पशु हाट है, आज तक 20 साल में एक सिंगल एक्सीडेंट उस जगह पे नहीं हुआ उस पशु हाट के कारण, उसको शिफ्ट यहाँ करवा दिया गया। अब इसके पीछे उन जनप्रतिनिधियों का मैं व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, या अन्य शासकीय अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों की अंदर से क्या मंशा है क्या मंशा नहीं है इन व्यापारी किसान और दुग्ध व्यापारियों के प्रति, एक बात। दूसरी बात, हमने एसपी साहब से निवेदन किया कि हमको ये चीज आप लिखित में थाना प्रभारी से या जिस भी संबंधित आपके सड़क सुरक्षा की जो मीटिंग हुई उसका लिखित में हमें दस्तावेज दिलवा दें, जिससे हम भी मध्य प्रदेश शासन से भोपाल तक ये पूछ सकें कि भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने आज हड़ताल का आयोजन किया। यह हड़ताल दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक रखी गई। 1 घंटे की हड़ताल करने का कारण जो मांगे बताई गई हैं, उनमें 1 5 दिवस का सप्ताह करना एवं पेंशन की अनियमितताओं को दूर करने हेतु है। अब देखना ये होगा
कि इस सांकेतिक हड़ताल से क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को कोई लाभ मिल पाएगा या नहीं। हड़ताल एक तो 5 डे वीक हमारी मांग है और पेंशन का मुद्दा है, ये दो मुद्दे हैं। कितनी देर की हड़ताल कर रखी हुई है आपने? हमारी हड़ताल है 1 घंटे की हड़ताल है, 1 बजे से 2 बजे तक। एक से दो ये घंटे की हड़ताल है, 1 घंटे की। वार्ड क्रमांक 3 राधोगढ़ में सुनीता पति महेश प्रजापति ने अज्ञात कारणों के चलते सुबह 9 बजे के करीब घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सुनीता के परिजनों ने पोस्टमार्टम घर से निकाल कर कहा कि हम गुना में पीएम कराएंगे, यहां नहीं। पुलिस के मुताबिक किस कारण से फांसी लगाई है इसका पता नहीं लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इधर मृतिका सुनीता के बेटे ने कहा है की मम्मी शाम के टाइम मरी है, पापा हर कभी मारते थे और पैसों की मांग मम्मी से करते थे, पापा का भी पता नहीं के कहां गए। वहीं ऋतिका के भाई का आरोप है कि मृतिका के पति के द्वारा मृतिका को आए मारा जाता था, साथ ही पैसे की मांग भी की जाती थी। वहीं इस बात को लेकर मृतिका के भाई ने शंका जाहिर की है कि शायद पति ने ही उसको मारकर फांसी पर लटका दिया है। एक कमर दर्द करने किसने फांसी लगा दी? फांसी लगा दी? आपको आवाज आई कुछ रात में? नहीं। झगड़ा हुआ था क्या रात में? मम्मी पापा लड़ाई हुई थी क्या मम्मी पापा में रात में? घटनाक्रम ऐसे हुआ है कि वो पैसे मांगता था मेरी सिस्टर से, वो मार के पट्टी करता। कहाँ पे शादी करी थी आपने? राधोगढ़। राधोगढ़ में कौन मांगता था पैसे? उनके पति महेश प्रजापति। हाँ तो फिर क्या हुआ आगे? कुछ नहीं, मारता पीटता था, अपने यहीं पे बच्ची पढ़ते हैं उनके, यहीं पढ़ाते थे अपन, पैसे ही भेजते रहते थे, हर चीज़ भेजते थे, फिर भी मारा पिट्टी करता था, दारू पी के गांजा मांजा पी के तो नशा वसा करता था। फिर क्या किया? उसने फांसी लगाई के रात में, अपन को कम तो पता नहीं है, मगर रात में दोनों थे वो, इनको बच्चे को तो अलग सुला दिया उनने बुआ के कमरे में, अब वो फांसी उसने लगा दी और भग गया। अपन को सुबह सूचना मिली है 9 बजे। अच्छा, आपकी बहन को उसने फांसी लगा दी? हाँ। इसमें आप पुलिस रिपोर्ट कर दी? पुलिस कोई कार्रवाई अभी कर ही नहीं रही है, आवेदन लिया है पुलिस ने बस। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का आज 38वां दिन है। शासन के आदेश के बाद भी संविदा कर्मचारियों ने आज अपनी ज्वाइनिंग नहीं दिखाई। वहीं कर्मचारियों की मांग है कि जब तक जिला स्वास्थ्य विभाग उन्हें यह लिखकर नहीं दे देता कि उनकी नियुक्तियां नियमित कर दी गई हैं, तब तक धरना स्थल पर ही सभी बैठे रहेंगे और कोई भी काम पर वापस नहीं लौटेगा। साथ ही साथ इन सभी ने आज उस आदेश की प्रतियां भी जलाई जिसमें इन्हें पुनः ज्वाइनिंग करने का आदेश दिया गया था। आज हमारी हड़ताल का 38वां दिन है और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता का परिचय लगातार दिया है। कल हम लोगों को ज्वाइन करने की आखिरी चेतावनी थी प्रशासन की, उसके बाद भी हम लोगों ने शाम को 5 बजे तक किसी ने भी ज्वाइन नहीं करा। पूरे 51 जिलों में उपस्थिति धरना स्थल पर रही और गुना जिले में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति धरना स्थल पर ही रही है। हम लोग कोई भी ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक जब तक कि CM हमको लिखित आदेश नहीं दे देंगे, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमको आदेश मिलेगा, क्योंकि हम अपनी अब संविदा की शोषण की कहानी दोबारा प्रशासन से नहीं लिखवाना चाहते। आज आपने क्या किया? आज हमने प्रतियां जलाई हैं, जो आदेश वहां से आया था MD का कि आप लोग ज्वाइन करें अन्यथा आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी और नई भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी, तो हम लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, किसी भी कैडर ने ज्वाइन नहीं करा है और आज हमने उनकी प्रतियां जलाई हैं। जैन युवा संगठन द्वारा 26वां युवक युवती परिचय सम्मेलन आज बीजी रोड स्थित नसिया जी पर आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुना कलेक्टर राजेश जैन उपस्थित रहे। इस मौके पर अतिथि ने विवाह सम्मेलन में इसी तरह से आयोजित होते रहे और फिजूल खर्ची पर लगाम लगती रहे पर अपने वक्तव्य भी दिए। वहीं अन्य समाजों को भी इस सम्मेलन से प्रेरणा लेने की बात भी कही। सम्मेलन में युवाओं ने बिना किसी शर्म और झिझक के बिंदास तरीके से अपना परिचय मंच से दिया। माननीय जिलाधीश महोदय मंजा सिंह, सभी अतिथिगण,
जैसा कि आदेश हुआ है प्रबंध संपादक की कलम से जो उद्गार मैं नहीं लिख पाया और जो व्यवहारिक परेशानियां संपादक मंडल को होती हैं कर पूरा डेटा आ जाता है तो आप सोचिए 950 एंट्री हैं, 960 एंट्री हमारे पास हैं और उनके फोटोज हमको छांट कर लगाना है। एक नया तरीका भाई राकेश ने इजाद किया, सारे फॉर्म के ऊपर है अपने बेटे के लिए बहू या पुत्री के लिए दामाद, उनमें से उनका चयन करके जो आपके अनुकूल है उससे बात कर सकते हैं और अगर बात करके आगे अगर बात बनती है तो उसको संबंध के रूप में मूर्त रूप। जैन समाज की बात करें तो चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, ललितपुर हो, जबलपुर हो, सागर हो, सब दूर परिचय सम्मेलन प्रारंभ हो गए, किंतु रास्ते में मेरे को महावीर जी बता रहे थे कि गुना ने सबसे पहले 26 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। तो मैं गुना दिगंबर जैन समाज को और युवा संगठन को बधाई देता हूँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की और उसका बृहद रूप आप सबको देखने को मिलता है भोपाल में। भोपाल का जो परिचय सम्मेलन होता है तो लगभग 10,000 प्रविष्टि वहाँ पर होती हैं और एक बड़ा मेले का स्वरूप, कम से कम 25,000 से 40,000 लोग एट ए टाइम भोपाल में दिखते हैं और एक बृहद स्वरूप ले लिया है कई जगह से, चाहे वो नेशनल एंट्री हो, इंटरनेशनल एंट्रीज हो, सभी तरह के, चाहे वो कहीं के भी हो, बच्चे विदेश में, उनकी भी बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ वहाँ आती हैं और बड़ी संख्या में उससे संबंध आपस में एक दूसरे। मुख्यमंत्री को अपना वादा याद दिलाने के लिए मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने बैठा हड़ताल पर। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संघ का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने जो उनसे वादा किया था वह अभी तक पूरा नहीं किया, जबकि पिछले कई समय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को याद दिलाने के लिए क्रमिक अनशन भी किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह आंदोलन 26 तारीख से जारी है जो कि 6 तारीख तक निरंतर जारी रहेगा। यह भी कहा गया है कि यदि अभी मांगे नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को एक नई दिशा भी दी जा सकती है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हर साल उनकी टक्कर में मानते नहीं किसी से भी मानते। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछले साल दिए गए आश्वासन कि एक महीने के अंदर आपकी मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा, हम लोगों ने उन पर भरोसा करते हुए एक साल तक इंतजार किया, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कोई भी सार्थक पहल नहीं हुई। तो हम लोग पूरे आम कर्मिक अनशन पर उनको याद वादा याद दिलाने के लिए अनशन पर बैठे हैं। आज अनशन का तीसरा दिन है और ये हमारा अनशन 6 तारीख तक चलेगा अवकाश के दिनों को छोड़कर। यदि इन दिनों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अपने दिए हुए वादे पर अमल नहीं करते हैं तो हम लोग 6 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलेंगे। एक माह में लागू होगा मास्टर प्लान, दिसंबर 2016 तक की अवैध कॉलोनियों को कर देंगे वैध, नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलोनाइजर पर होगी कार्रवाई। आज समस्त मीडिया के सामने नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा व नगरपालिका सीईओ द्वारा बताई गई प्रदेश शासन की योजना है। प्रदेश शासन की बनाई गई योजना के अनुसार गुना नगर में दिसंबर 2016 तक स्थापित की गई अवैध कॉलोनी को नियमानुसार वैधता प्रदान कर गुना नगरपालिका में विकास कार्य कराएगी। वर्ष 2011 में तैयार मास्टर प्लान अगले एक माह में लागू किया जाएगा, जिसके लागू होते ही गुना नगरपालिका के नगर निगम में बदलने की संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि मास्टर प्लान के लागू होते ही शहर के आसपास के लगभग 10 पंचायतों के शामिल ग्राम गुना शहर में शामिल हो जाएंगे। वहीं एक और भीषण गर्मी के दौरान आने वाली पानी की समस्या को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा ने यह बताया कि हम शहर में पानी की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि शहर में बनाई गई जगह जगह टंकियों से मोहल्ले, कॉलोनी व गुना शहर की बस्तियों में पानी की सप्लाई भरपूर मात्रा में कराई जा रही है और नगरपालिका शहर में जगह जगह अपने पानी के टैंकर भी भेज रही है, जिसका किसी भी प्रकार का कर नगरपालिका नहीं लेती। शासन ने हमको एक महीने में गुना का मास्टर प्लान लागू करने का आश्वासन दिया है, उसमें कलेक्टर गुना भी थे, मध्य प्रदेश के पूरे कलेक्टर, कमिश्नर, महापौर, आयुक्त, सीएमओ, सभी पूरे प्रदेश के अमले के सामने माननीय पीएस विवेक अग्रवाल साहब ने आश्वासन दिया है कि गुना का मास्टर प्लान एक महीने में लागू हो जाएगा। 20% अधिक रहवासी निवास करते हैं व 20% विकास रकम कॉलोनी रहवासियों से लेकर 80% संबंधित निकाय वहन करेगा। हम 20% राशि संबंधित व्यक्ति से लेंगे और 80% राशि से हम नगर पालिका की राशि लगाकर विकास करेंगे। किसी भी कारण एक
बिंदु है, कुल कॉलोनी के क्षेत्रफल के नियम अनुसार खाली क्षेत्रफल न छोड़ने पर सक्षम पदाधिकारी पूरी भूमि की लागत का पराकलन करेंगे तथा कॉलोनाइजर डेढ़ गुना से वसूल किया जाएगा। जैसे कॉलोनाइजर ने पार्क की भूमि नहीं छोड़ी और पार्क की भूमि उसकी 7 बीघा जमीन में 150x150 का पार्क होना अनिवार्य था, अगर मौके पर नहीं है तो हम उस 150x150 की गाइडलाइन अनुसार उसकी राशि का उसको नोटिस देंगे और उससे हम वसूल करेंगे। अगर उसके आपका प्लान हमको दीजिए, हम उसका एस्टीमेट बनवाएंगे, उसमें विकास शुल्क की राशि कितने परसेंट आपसे लेनी है वो, और हम जिन्होंने भूखंड खरीदा है उनको हम सुविधा देंगे 20% राशि। दिव्यांग ने चौराहे पर मांगी अपनी इच्छा मृत्यु। हनुमान चौराहे पर अपनी इच्छा मृत्यु के लिए धरने पर बैठा दिव्यांग अपनी पत्नी बच्चे सहित मांग रहा शिवराज मामा से मौत। मामा शिवराज सिंह चौहान से लगाई गुहार। विकलांग ऊपर से गरीब, न रहने के लिए मकान, न किसी योजना का मिल पा रहा लाभ। प्रशासन को इसकी खबर मिलते ही मौके पर SDM दिनेश चंद्र शुक्ला पहुंचे और उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। आखिरकार क्या मजबूरी थी इस दिव्यांग की जो अपनी पत्नी व बच्चों सहित चौराहे पर बैठकर शिवराज मामा से अपनी मौत की अनुमति मांग रहा है, ये तो वही जाने। डीजीएन न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।